नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ए टू जेड गोल्ड कैप्सूल का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, ए टू जेड गोल्ड कैप्सूल को कैसे लेना चाहिए और ए टू जेड गोल्ड कैप्सूल को कितने दिन तक लेना चाहिए, और यह भी डिस्कस करेंगे कि ए टू जेड गोल्ड कैप्सूल की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी जानेंगे कि ए टू जेड गोल्ड कैप्सूल के अंदर कौन कौन से विटामिन और मिनरल्स कितनी मात्रा में मौजूद होते हैं और उनके क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। ए टू जेड गोल्ड कैप्सूल एक मल्टीविटामिन हेल्थ सप्लीमेंट है। विटामिन्स हमारे शरीर की ग्रोथ और शरीर के ओवरऑल स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स का सेवन करना जरूरी होता है। शरीर में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी होने पर शरीर में कमजोरी होना, शरीर में थकान रहना, शरीर की इम्यूनिटी का कमजोर होना और बार बार बीमार पड़ना आदि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं शरीर में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी होने पर हो सकती है। ए टू जेड गोल्ड कैप्सूल शरीर में कमजोरी की समस्या को दूर करता है और शरीर में एनर्जी के लेवल को बढ़ाता है और पाचन तंत्र को मजबूत बनाए रखता है। इसके अलावा ए टू जेड गोल्ड कैप्सूल शरीर के नाखूनों, बालों और त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। ए टू जेड गोल्ड कैप्सूल शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है और शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ावा देता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि ए टू जेड गोल्ड कैप्सूल के अंदर कौन कौन से विटामिन कितनी मात्रा में मौजूद होते हैं और उनके क्या हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। ए टू जेड गोल्ड कैप्सूल के अंदर डोकोसाहेक्सेनोइक एसिड 60 mg मौजूद होता है। डोकोसाहेक्सेनोइक एसिड को DHA के नाम से भी जाना जाता है। DHA आँखों को स्वस्थ बनाए रखता है और उम्र बढ़ने के दौरान आँखों को कमजोर होने से रोकता है। इसके अलावा ब्रेन के विकास और याददाश्त को अच्छा बनाए रखने के लिए भी DHA बहुत ही जरूरी होता है। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं में बच्चे के ब्रेन और आँखों की ग्रोथ के लिए भी DHA जरूरी होता है। DHA शरीर के जोड़ों और शरीर के इम्यून सिस्टम को स्वस्थ बनाए रखता है और चेहरे की चमक को बढ़ावा देता है। ए टू जेड गोल्ड कैप्सूल के अंदर इकोसापेंटेनोइक एसिड 90 mg मौजूद होता है। इकोसापेंटेनोइक एसिड को EPA के नाम से भी जाना जाता है। EPA शरीर में ट्राइग्लिसराइड्स और ब्लड प्रेशर के लेवल को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा EPA शरीर के जोड़ों, ब्रेन, दिल, त्वचा और आँखों को स्वस्थ बनाए रखता है। EPA शरीर में इन्फ्लेमेशन को कम करता है और कैंसर होने से रोकथाम करता है। ए टू जेड गोल्ड कैप्सूल के अंदर विटामिन सी 25 mg मौजूद होता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन सी शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मदद करता है। अगर आपके शरीर की इम्यूनिटी मजबूत होगी तो आपको कोई भी बीमारी या इन्फेक्शन आसानी से बीमार नहीं कर पाएगा। इसके अलावा विटामिन सी शरीर में कैंसर होने से बचाव करता है और विटामिन सी त्वचा पर बढ़ती उम्र के दुष्प्रभावों को कम करता है और त्वचा को स्वस्थ व जवान बनाए रखने में मदद करता है। विटामिन सी शरीर पर घाव होने पर, कोई जख्म या चोट लगने पर उसको जल्दी ठीक करने में मदद करता है। इसके अलावा हड्डियों को स्वस्थ व मजबूत बनाए रखता है। विटामिन सी शरीर में आयरन के अवशोषण को बढ़ावा देता है और शरीर में खून की कमी होने से बचाव करता है। ए टू जेड गोल्ड कैप्सूल के अंदर विटामिन ई 8 mg मौजूद होता है। विटामिन ई हमारे शरीर की त्वचा को स्वस्थ व जवान बनाए रखता है। विटामिन ई का प्रतिदिन सही मात्रा में सेवन करने से त्वचा स्वस्थ व चमकदार बनी रहती है। इसके अलावा विटामिन ई शरीर में कैंसर होने के रिस्क को भी कम करता है। ए टू जेड गोल्ड कैप्सूल के अंदर बीटा कैरोटीन 2.4 mg मौजूद होता है। बीटा कैरोटीन को लेने पर यह शरीर में विटामिन ए में परिवर्तित होता है। बीटा कैरोटीन आँखों की रोशनी को बढ़ाने में सहायक होता है। शरीर में बीटा कैरोटीन की कमी होने पर नाइट में कम दिखाई देता है और आँखों में सूखापन हो सकता है और बीटा कैरोटीन की कमी बहुत ज्यादा होने पर अंधापन भी हो सकता है। प्रतिदिन सही मात्रा में बीटा कैरोटीन का सेवन करने से आँखों की रोशनी तेज होती है। इसके अलावा बीटा
कैरोटीन का प्रतिदिन सेवन करने से त्वचा स्वस्थ व चमकदार बनी रहती है। ए टू जेड गोल्ड कैप्सूल के अंदर विटामिन B6 1.5 mg मौजूद होता है। विटामिन B6 को पाइरिडॉक्सिन के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन B6 शरीर में भोजन को एनर्जी में बदलने में मदद करता है और शरीर में एनर्जी के लेवल को बढ़ावा देता है। विटामिन B6 शरीर में हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ावा देता है। इसके अलावा विटामिन B6 प्रेग्नेंट महिलाओं में उल्टी आने का मन होना और जी मिचलाना आदि समस्याओं को भी दूर करता है। ए टू जेड गोल्ड कैप्सूल के अंदर विटामिन B1 0.8 mg मौजूद होता है। विटामिन B1 को थायमिन के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन B1 शरीर में कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में बदलने का काम करता है। इसके अलावा विटामिन B1 शरीर की मांसपेशियों, शरीर की नसों, दिमाग और दिल को स्वस्थ रखने के लिए भी बहुत जरूरी होता है। ए टू जेड गोल्ड कैप्सूल के अंदर फॉलिक एसिड 60 माइक्रोग्राम मौजूद होता है। फॉलिक एसिड शरीर में कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलने का काम करता है, जिसकी वजह से शरीर को एनर्जी मिलती है। प्रेग्नेंट महिलाओं में बच्चे के विकास के लिए भी फॉलिक एसिड बहुत ही जरूरी होता है। इसके अलावा शरीर में फॉलिक एसिड की कमी होने पर भी शरीर में खून की कमी हो सकती है। ए टू जेड गोल्ड कैप्सूल के अंदर विटामिन B12 0.6 माइक्रोग्राम मौजूद होता है। विटामिन B12 को कोबालामिन या मिथाइल कोबालामिन के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन B12 शरीर की नसों और ब्लड सेल्स को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। शरीर में विटामिन B12 की कमी होने पर शरीर में खून की कमी हो सकती है। इसके अलावा शरीर में विटामिन B12 की कमी होने पर शरीर की नसों में दर्द व शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी व थकान रहने की समस्या हो सकती है। ए टू जेड गोल्ड कैप्सूल के अंदर जिंक 9 mg मौजूद होता है। जिंक शरीर के इम्यून सिस्टम को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। ए टू जेड गोल्ड कैप्सूल के अंदर सोडियम सेलेनेट 30 माइक्रोग्राम मौजूद होता है। सोडियम सेलेनेट शरीर के इम्यून सिस्टम और थायरॉइड ग्लैंड को स्वस्थ बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। इसके अलावा सोडियम सेलेनेट दिल से संबंधित बीमारियां और कैंसर होने से बचाव करता है। पुरुषों में स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए भी सोडियम सेलेनेट जरूरी होता है। सोडियम सेलेनेट के अंदर एंटीऑक्सीडेंट गुण भी मौजूद होते हैं, जो त्वचा को जवान बनाए रखते हैं और समय से पहले बूढ़ा होने से बचाव करते हैं। ए टू जेड गोल्ड कैप्सूल के अंदर क्रोमियम 30 माइक्रोग्राम मौजूद होता है। क्रोमियम शरीर में ज्यादा भूख लगने की समस्या को कम करता है और शरीर के वजन को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा क्रोमियम शरीर के ब्लड शुगर के लेवल को भी कम करता है। ए टू जेड गोल्ड कैप्सूल के अंदर अल्फा लिपोइक एसिड 30 mg मौजूद होता है। अल्फा लिपोइक एसिड शरीर में ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है और इंसुलिन की संवेदनशीलता में सुधार करता है, जो टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित व्यक्तियों के लिए फायदेमंद होता है। इसके अलावा अल्फा लिपोइक एसिड चेहरे की चमक को बढ़ावा देता है और बढ़ती उम्र के दुष्प्रभावों को कम करता है। इसके अलावा अल्फा लिपोइक एसिड चेहरे पर दाग धब्बों व झुर्रियों को भी होने से रोकता है। अल्फा लिपोइक एसिड के अंदर एंटीऑक्सीडेंट गुण मौजूद होते हैं, जो कैंसर सहित अन्य गंभीर बीमारियां होने के जोखिम को कम करते हैं। इसके अलावा अल्फा लिपोइक एसिड शरीर में लिवर, हार्ट व शरीर की नसों को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है और नसों के दर्द की समस्या को भी ठीक करने में मदद करता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि ए टू जेड गोल्ड कैप्सूल का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है और किन व्यक्तियों को डॉक्टर ए टू जेड गोल्ड कैप्सूल को लेने की सलाह दे सकते हैं। ए टू जेड गोल्ड कैप्सूल का उपयोग शरीर के ओवरऑल स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए, शरीर में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी को पूरा करने के लिए, शरीर में एनर्जी व स्टैमिना को बढ़ाने के लिए, शरीर में थकान व कमजोरी की समस्या होने पर और शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए डॉक्टर ए टू जेड गोल्ड कैप्सूल को लेने की सलाह दे सकते हैं। ज्यादा एक्सरसाइज करने वाले व्यक्तियों और जिम जाने वाले व्यक्तियों को नॉर्मल इंसान से थोड़ी सी ज्यादा मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स की आवश्यकता होती है, इसलिए ज्यादा एक्सरसाइज करने वाले व्यक्तियों या जिम जाने वाले व्यक्ति भी विटामिन्स और मिनरल्स की कमी को पूरा करने के लिए ए टू जेड गोल्ड कैप्सूल
को ले सकते हैं। जो व्यक्ति बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, ऐसे व्यक्तियों में न्यूट्रिशन की कमी बहुत जल्दी होती है। इसलिए बाहर का खाना खाने वाले व्यक्तियों को भी डॉक्टर ए टू जेड गोल्ड कैप्सूल को लेने की सलाह दे सकते हैं। इसके अलावा प्रेग्नेंट महिलाओं, स्तनपान करा रही महिलाओं और ज्यादा उम्र के व्यक्तियों को भी न्यूट्रिशन की आवश्यकता अधिक होती है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों में न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करने के लिए भी डॉक्टर ए टू जेड गोल्ड कैप्सूल को लेने की सलाह दे सकते हैं। कोई बीमारी की रिकवरी प्रोसेस को तेज करने के लिए और ज्यादा लंबे समय तक बीमार रहने की वजह से यदि आपके शरीर में कमजोरी आ गई है, तो ऐसी कंडीशन में शरीर की कमजोरी को दूर करने के लिए भी डॉक्टर ए टू जेड गोल्ड कैप्सूल को लेने की सलाह दे सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की पेट या आंतों की कोई सर्जरी हुई है, तो ऐसे व्यक्तियों में भी न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है। इसके अलावा जो व्यक्ति शराब का सेवन ज्यादा करते हैं, ऐसे व्यक्तियों में भी न्यूट्रिशन की कमी बहुत जल्दी होती है। इसलिए शराब का ज्यादा सेवन करने वाले व्यक्तियों को भी डॉक्टर ए टू जेड गोल्ड कैप्सूल को लेने की सलाह दे सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि ए टू जेड गोल्ड कैप्सूल को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। आमतौर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर ए टू जेड गोल्ड कैप्सूल को दिन में केवल एक ही बार और खाना खाने के बाद लेने की सलाह देते हैं। ए टू जेड गोल्ड कैप्सूल को सुबह या दोपहर के समय खाना खाने के बाद लेना ज्यादा अच्छा होता है। ए टू जेड गोल्ड कैप्सूल को आप हल्के गर्म पानी या हल्के गर्म दूध के साथ ले सकते हैं। ज्यादा ठंडे पानी के साथ ए टू जेड गोल्ड कैप्सूल को न ले, क्योंकि ज्यादा ठंडे पानी के साथ ए टू जेड गोल्ड कैप्सूल को लेने से पेट के अंदर दवा का अवशोषण कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ए टू जेड गोल्ड कैप्सूल की प्रभावशीलता भी कम हो सकती है। ए टू जेड गोल्ड कैप्सूल की डोज, उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको ए टू जेड गोल्ड कैप्सूल को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। ए टू जेड गोल्ड कैप्सूल को कितने दिन तक लेना चाहिए, यह कोई फिक्स नहीं होता है, क्योंकि ए टू जेड गोल्ड कैप्सूल एक हेल्थ सप्लीमेंट है। अगर आपकी डाइट में न्यूट्रिशन की कमी है, तो आप ए टू जेड गोल्ड कैप्सूल को तब तक ले सकते हैं जब तक आपकी डाइट से न्यूट्रिशन की कमी पूरी न हो जाए। यदि आप कच्चे फलों, सब्जियों, सलाद, दूध, दही, काजू और बादाम आदि न्यूट्रिशन से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन भरपूर मात्रा में करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को ए टू जेड गोल्ड कैप्सूल को लेने की कोई जरूरत नहीं होती है। यदि आपके डॉक्टर ने ए टू जेड गोल्ड कैप्सूल को लेने की सलाह दी है, तो आपको ए टू जेड गोल्ड कैप्सूल को डॉक्टर की सलाह के बिना लेना बंद नहीं करना चाहिए। साइड इफेक्ट्स की बात करें, तो ए टू जेड गोल्ड कैप्सूल को रिकमेंडेड डोज में लेने पर ज्यादातर व्यक्तियों में कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन ए टू जेड गोल्ड कैप्सूल को रेकमेंडेड डोज से ज्यादा डोज में लेने पर ए टू जेड गोल्ड कैप्सूल की वजह से साइड इफेक्ट्स होने का जोखिम अधिक हो जाता है। इसलिए आपको ए टू जेड गोल्ड कैप्सूल को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि ए टू जेड गोल्ड कैप्सूल को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। ए टू जेड गोल्ड कैप्सूल को लगातार 3 महीने लेने के बाद 15 दिन का ब्रेक लेना चाहिए और 15 दिन का गैप देकर ही ए टू जेड गोल्ड कैप्सूल को दोबारा लेना शुरू करना चाहिए। कुछ व्यक्ति पूछते हैं कि क्या ए टू जेड गोल्ड कैप्सूल वजन को बढ़ाता है या नहीं। ए टू जेड गोल्ड कैप्सूल एक मल्टीविटामिन कैप्सूल है, जो आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। विटामिन न तो वजन को बढ़ाते हैं और न ही वजन को घटाते हैं, इसलिए ए टू जेड गोल्ड कैप्सूल आपके शरीर के वजन को नहीं बढ़ाता है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका ए टू जेड गोल्ड कैप्सूल से संबंधित कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।